लीजिए जनाब, आज हम आ गए हैं जामा मस्जिद वाली साइड इनका फूड ट्राई करने, मतलब बहुत तरह के फूड ट्राई करने। अभी हमने खाया है असलम का बटर चिकन, उसका आपने रिव्यू देख ही लिया होगा। एंड अभी हम खाने वाले हैं कूल पॉइंट का स्पेशल जो है शाही टुकड़ा। आप देख सकते हैं, मतलब देसी घी में लथपथ शाही टुकड़ा खाने वाले हैं आज, टेस्टिंग करने वाले हैं। ये रबड़ी है इनकी। एंड कूल पॉइंट के सर यहाँ पे कितनी ब्रांचेज हैं? चार ब्रांचेज है इधर कूल पॉइंट की। तो आज तीनों जने कूल पॉइंट का शाही टुकड़ा और भी चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको लेके चलते हैं एक छोटी सी फूड ट्रिप पे। तो सर, शाही टुकड़े के बारे में बताइए, आपको कितने साल हो गए पहली बार? मतलब 41 ईयर्स हो गए हैं शाही टुकड़ा बनाते हैं। मतलब इनके फादर जी ने शुरू किया था, वो दूसरी दुकान पे बैठते हैं, पर यार 42 इयर्स पुरानी रेसिपी है, 42 इयर्स से ये चल रहा है, तो कुछ तो खास होगा इसमें। तो देखते हैं कि कैसा है टेस्ट। तो आइए देखते हैं अभी शाही टुकड़ा कैसे तैयार करके देते हैं। शाही टुकड़ा कितना बड़ी खाएंगे? हाँ जी, ये डल गई इनकी स्पेशल जो मलाई है, ऊपर से डल गई ये रबड़ी। मजा ही आ गया यार। शाही टुकड़ा देख लो भाई, देख, मतलब सिर्फ आपको देखना नहीं है, यहाँ पे आके ट्राई भी करना है। तो अंदर चलते हैं और ट्राई करते हैं इनका स्पेशल शाही टुकड़ा। तो ये देख लीजिए, शाही टुकड़ा आ गया है। पहले तो यार घी दिखा दो, इसमें क्या घी डाला हुआ यार, ये देख लो। मतलब वहाँ पे असलम चिकन पे बटर और यहाँ पे घी। और अभी टेस्टिंग करते हैं गरम शाही टुकड़ा देसी घी वाला मलाई के साथ ठंडी रबड़ी डाल के, मतलब मज़ा कॉम्बिनेशन आने वाला है। पहले मैं टेस्ट करता हूँ, मेरे को भी डेजर्ट पर्सनली बहुत पसंद है, पर डेजर्ट के हमारे स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं अनुज तिवारी, तो ये भी आपको रिव्यू देंगे। जय भी है कैमरा के पीछे, वो भी आपको रिव्यू देगा कि कितना अच्छा है ये। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं। चेरी भी डाल के दी है इन्होंने ऊपर से। तो ये मलाई के साथ शाही टुकड़ा ब्रेड वाला ले लिया है मैंने, थोड़ी सी रबड़ी और गरम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी। इसमें फ्लेवर छोड़ रही है ना, मतलब गजब है, गजब मिठास है, जो फिर भी नहीं ज़्यादा मीठा है, मिठास बिल्कुल बैलेंस्ड है। रबड़ी और मलाई के साथ अगर ये खाते हैं तो इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। मतलब देसी घी वाला शाही टुकड़ा सबसे अच्छा तो आपको पूरे दिल्ली में यही कूल पॉइंट में मिलेगा, और कहीं मिलता होगा मेरे को नहीं पता भी कहाँ मिलता है इतना अच्छा। पर ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप कूल पॉइंट आएंगे तो आप निराश नहीं होके जाएंगे। तो ये अनुज जी हमारे डेजर्ट स्पेशलिस्ट, डेजर्ट लवर, खा के देख रहे हैं हमारा शाही टुकड़ा कूल पॉइंट का। जैसा कि आपको अरे कोई डेजर्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट हाँ आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट थिंग्स, तो यू नो कोई यार कोई आपको मैं ये बता दूँ यार, अब तक तो जितना भी मीठा चीज़ खाया ना, जितना भी मीठा, अरे मैंने मीठे चीज़ बनाई भी बहुत है एक्सट्रीम लेवल के, बट यार ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट, मतलब दी बेस्ट यार, वन ऑफ दी बेस्ट है। मतलब यार मन दिमाग खराब हो गया, पर खाना तो हमारा असलम चिकन से ही भर गया था, शाही टुकड़ा भी एक पूरा खा लिया, तो इतना अच्छा था कि और लगवा रहे हैं। अब इस बार बिना रबड़ी के फुल मलाई मार के, ये मलाई डल गई, ये और चेरी, एंड ये एक और शाही टुकड़ा हमारा हो गया है रेडी। तो ये भी करते हैं टेस्ट कि बिना रबड़ी के कैसा लगता है। तो
टेस्ट जो था शाही टुकड़े का बिना रबड़ी के काफी अच्छा था, मलाई के साथ भी काफी तगड़ा फ्लेवर दे रहा था ये घी वाला, देसी घी वाला शाही टुकड़ा। मतलब यार फूड वाज रियली अमेजिंग। मैं पहले भी यहाँ पे आया हुआ हूँ कूल पॉइंट पे, एंड मैंने इनकी जो रबड़ी फलूदा है वो भी टेस्ट किया हुआ है, एंड जो इनका खीर है इनकी वो भी मैंने टेस्ट किया है, तो दोनों वो भी काफी बढ़िया थे। आप कुछ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको ये और बात बताना चाहूंगा, मैंने असलम चिकन इससे पहले खाया, मैंने शाही शीरमल भी खाया, मैंने मोहब्बत का शरबत भी पिया है। शाही शीरमल वाली जो वीडियो है एंड असलम चिकन वाली वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो वो जाके देख लीजिए। मोहब्बत का शरबत की वीडियो नेक्स्ट आ रही है, एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो फॉर व्हाट्स एवर रीजन, प्लीज गिव इट अ थम्स अप। कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, एंड मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। वीडियो के अपडेट्स मैं पहले ही इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ, तो वहां पे मेरे को फॉलो कर ले। एंड बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।